दोस्तों नमस्कार, मैं जनकराय साहिल पैरी जम्मू कश्मीर, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो हम सोप बाथिंग सोप जो नहाने वाला साबुन हम बनाते हैं शहद शहद से, और उसमें डिफरेंट अलग अलग तरह की सेंट्स भी हम डालते हैं, लेकिन हम जो सेंट और नेचुरल सेंट डालते हैं, तो जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैं अभी ये बना रहा हूँ। अब ये नहाने वाले साबुन में जो हम गुलाब का अर्क या गुलाब की खुशबू जो हमने डालनी है, वो कैसे हमने उसको बनाना है, और उसको बनाने का ये तरीका है कि एक तो हम ये लेते हैं ऑलिव ऑयल्स लेते हैं, तो मैं ये ऑलिव ऑयल ले रहा हूँ मैं, उसके साथ ये कुछ गुलाब की पत्तियाँ हैं, और ये इसको अभी मैं क्रश करूँगा। और आप नेक्स्ट अभी तो मैं इसका तेल बनाऊंगा, जैसे साबुन में हम डालते हैं खुशबू के लिए, तो जब साबुन बनाएंगे ये कैसे डालना है ये जो तेल अभी हम जो बनाएंगे सोप में, तो वो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मैं 2-3 दिन में अगली वीडियो में डालने वाला हूं, ताकि आप उस वीडियो को देख सकें। और साथ साथ में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका जो इसमें जो ये गुलाब की जो पत्तियाँ हैं, इसमें जो ऑयल्स होते हैं, जो इसमें कंटेंट होते हैं, ये हमारी स्किन को मुलायम रखते हैं, स्किन में ग्लो लाते हैं, और इसके साथ फिर हम उस वीडियो में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कैसे हनी से हमने साबुन नहाने वाला साबुन जो तैयार करना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि कैसे हमें इसे सोप तैयार करना है नहाने वाला। और ये आ गया स्टैमन्स होते हैं, ये वाले स्टैमन जिससे मधुमक्खी पोलन स्टोर कलेक्ट करती है, तो अभी मैं इसको और क्रश करूंगा ताकि ये अच्छी तरह ऑलिव ऑयल में ये मिक्सअप हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह ये क्रश हो गया है, ये देखिए। और अभी मैं डालूंगा इसमें ऑलिव ऑयल्स, ताकि अच्छी तरह इसमें मिक्सअप हो जाए। हाँ, और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये जो ऑलिव ऑयल होता है ना, ये भी स्किन को सॉफ्ट रखता है, और ये साबुन में जो झाग जो कम नहीं होने देता, झाग अच्छी आती है जब हम नहाते हैं। कई लोग कहते हैं कि झाग कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है, तो अगर ये तेल इसमें यूज़ करेंगे तो झाग ज़्यादा आती है, और ये मेंटेन भी रखता है इसकी खुशबू को, जो नेचुरल पेटल है गुलाब के, तो इसकी जो खुशबू है ना जो साबुन में, तो ये काफ़ी अच्छी मतलब इसको होल्ड करके रखता खुशबू को। इसमें अभी मैं इसमें और डालूंगा ताकि हम इसको अच्छी तरह कर लेंगे। अभी मैंने इसमें आपको थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ऑलिव ऑयल, आप देख सकते हैं कैसे अच्छी तरह ये पेस्ट बन गई है। दोस्तों इसको फिर हमने छाननी से छान लेना है इसको, छान के रखना है। आप छान कर भी रख ले सकते हैं, जब हमने सोप बनाना है ना, हनी का सोप जैसे, ये मटेरियल हम फिर ये ऐसे डायरेक्ट भी सोप में डाल सकते हैं, ताकि उसका फिर और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर रहेगा। वैसे हम ऑयल तैयार कर रहे हैं तो हम ऑयल ही डालेंगे, और मैं इसको भी संभाल के रख लूँगा ये जो बचा है, क्यों कि कुछ सोप में हम ये इनकी जो पेटल का जो छोटे छोटे ब्रीक टुकड़े हैं ना, इनको भी हम डालते हैं। और ये दोस्तों अभी ये बन गया, अभी मैंने इसे सारे का सारा जो तेल को निचोड़ कर मैंने इसमें भर लिया कटोरी में। तो ये जो ऑयल है अभी एक बार फिर इसको दोबारा छान कर फिर मैं इसको बॉटल में भर लूँगा। भरने के बाद जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो
साबुन में कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कितना करना है, क्यों करना है, सब बताऊंगा। तो ये मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये गुलाब की पत्तियाँ और ये ऑलिव ऑयल स्किन को सॉफ्ट करता है, स्किन में ग्लो लाता है, घुरापन करता है, मुलायम रखता है और कील मुहासे भी नहीं होने देता अगर हम इसको चेहरे पे लगाते हैं तो। और देखिए दोस्तों, अभी मैंने ये सारे का सारा छान लिया है और इसको हम इसमें बॉटल में प्रिजर्व करके रख लेंगे। और जब भी सोप बनाना है, जितनी मेरे को ड्रॉप की जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं फिर ये उसमें सोप में डाल लूँगा। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि जिसने साबुन कैसे बनाना है, अभी ये पेटल रोज़ पेटल से और ये हनी से और ऑलिव ऑयल से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में देख सकते हैं आपको कैसे हमने ये सोप बनाना है नहाने वाला। तो आज का वीडियो मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। बाकी ये जो ऑयल है ये हम कितने भी महीने इसको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी ज़रूरत पड़े जितने ड्रॉप की आधा चम्मच एक चम्मच जो हमने ऑयल डालना है सोप में, तो हम यहाँ से बॉटल से लेके हम डाल सकेंगे। शुक्रिया।